देखिए दोस्तों, इस बार आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे ताकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको आने वाली स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के बारे में सटीक और संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर रेलवे में ही नहीं बल्कि इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सरकारी नौकरी है। लोग पागल है स्टेशन मास्टर की पोस्ट के पीछे, क्योंकि दोस्तों इतनी बेहतरीन पोस्ट है, इतनी बेहतरीन सैलरी आपको मिलती है, सुनते ही आप चौंक जाओगे। लाइफ आपकी सेट हो जाएगी अगर आपने स्टेशन मास्टर की पोस्ट को क्रैक कर लिया। बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। एक स्टेशन मास्टर के हाथ में काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी पावर होती है। तो आगे इस वीडियो में आने वाली इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि भाई इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंस सैलरी आपको क्या मिलेगी, जो कि काफी बेहतरीन है। जैसे कि शुरुआत में आपको बताया किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कम से कम कितने नंबर लाने होंगे ताकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली आपको काम क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर आएगी, कौन कौन सी पावर आपके हाथ में होंगी, डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। प्रोबेशन पीरियड और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाली इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, पूरा यूट्यूब छान लीजिएगा, इतनी बेहतरीन और इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा ये वैकेंसी कब आ रही है, नोटिफिकेशन कब निकल रहा है, ऑनलाइन फॉर्म कब आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो ए टू जेड सारी जानकारी एक ही सिंगल वीडियो में आज आपकी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आने वाली आरआरबी स्टेशन मास्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। आरआरबी के बारे में आपको पता ही होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके अंडर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। रेलवे में इससे बेहतरीन कोई और पोस्ट हो ही नहीं सकती। देखिए दोस्तों, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास निकलने की उम्मीद है। इससे ज्यादा भी हो सकती है और थोड़ी बहुत इससे कम भी हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 3000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। देखिए दोस्तों, ये एक लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहेंस सैलरी 67,500 से भी ज्यादा होती है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। तो भाई सैलरी काफी बेहतरीन है इस पोस्ट के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर्म वगैरह कब आ रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले समझते हैं कि भाई स्टेशन मास्टर की पोस्ट आखिर होती कैसी है, क्या काम आपको करना होता है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आती है। देखिए दोस्तों, स्टेशन मास्टर जो कि हेड ऑफ स्टेशन होता है, जो कि रेलवे में एक काफी बड़ी पोजीशन होल्ड करता है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पर जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वो सभी स्टेशन मास्टर के अंडर आते हैं, इसकी कमांड पर ही वो सभी काम करते हैं। स्टेशन मास्टर को डायरेक्टली असिस्ट करता है एएसएम, मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। यानी कि स्टेशन मास्टर के पास पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो काफी बड़ी होती है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पर इतना हार्ड वर्क नहीं करना होता है, वो सारा काम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर करता है स्टेशन मास्टर की कमांड पर। स्टेशन मास्टर को स्टेशन पर एक प्रॉपर अलग कैबिन मिलता है, बढ़िया फ्रेश जॉब है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है स्टेशन मास्टर की, एक बेहतरीन सी फ्रेश सी यूनिफॉर्म होती है, एक बढ़िया कैप मिलती है स्टेशन मास्टर की, क्योंकि काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होल्ड करता है एक स्टेशन मास्टर, एक पर्टिकुलर स्टेशन मास्टर के अंडर आता है। एक तरीके से इसको हम कैबिन की जॉब कह सकते हैं, ऑफिस सेक्शन की इसको हम जॉब कह सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल के जितने भी काम होते हैं वो एएसएम करता है इन बिहाफ ऑफ स्टेशन मास्टर। तो चलिए फाइनली समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से काम, कौन कौन सी पावर, कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन मास्टर के अंडर आती है। स्टेशन मास्टर जो कि हेड ऑफ स्टेशन भी होता है, देखिए दोस्तों, ट्रेन ऑपरेशंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन मास्टर के अंडर आती है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पर कितनी ट्रेन अराइवल हो रही है, डिपार्चर कब होंगी, उनकी टाइमिंग को सेट करना, सारा का सारा काम स्टेशन मास्टर का होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी, यानी कि ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है या फिर स्टेशन के ऊपर जो पैसेंजर है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेशन मास्टर की होती है। क्राउड मैनेजमेंट का काम भी स्टेशन मास्टर का होता है, उसके कहने पर ही रेलवे कर्मचारी एक्शन में आते हैं, चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। साथ ही कम्युनिकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है स्टेशन मास्टर का, जो ट्रेन है उनके और स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन बिल्ड करने का काम होता है वो
स्टेशन मास्टर का ही होता है। ट्रेन कब छूटेगी ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेशन मास्टर की होती है। ट्रेन इस पर्टिकुलर स्टेशन से निकल चुकी है तो अगला जो स्टेशन है उसके साथ भी कम्युनिकेशन बिल्ड करेगा यही स्टेशन मास्टर, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड रखने का काम भी स्टेशन मास्टर का होता है। कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो रेलवे के अलावा अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो रेलवे के साथ जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि आरपीएफ वगैरह हो गया, उनके साथ कोऑर्डिनेट बैठाएगा स्टेशन मास्टर ही। साथ ही इमरजेंसी रेस्पॉन्स, कुछ भी इमरजेंसी आ रही है या फिर एक्सीडेंट वगैरह, अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना हो जाती है, वो सारी इमरजेंसी की जो चीजें हैं वो स्टेशन मास्टर के हाथ में आएगी। तो हेड ऑफ स्टेशन होता है स्टेशन मास्टर। बहुत देखिए दोस्तों, जितने भी रेलवे के कर्मचारी होंगे उस पर्टिकुलर स्टेशन पर, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट के ऊपर अपॉइंटेड होंगे एम्प्लॉय, वो सभी स्टेशन मास्टर के ऑर्डर पर काम करते हैं, ठीक है। तो यार बहुत ही बेहतरीन सी पोस्ट है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप समझ चुके होंगे, एक एक काम को आप अच्छे से समझ सकते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दिया ट्रेन ऑपरेशंस का, क्या काम होता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्राउड मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन किस तरीके से बिल्ड करना है, सारी चीजें यहां पर मैंने लिख दी है, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया एज लिमिट क्या है स्टेशन मास्टर की पोस्ट को फोड़ने के लिए। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 33 साल होती है वैसे स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर, लेकिन इस बार 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। तो इस बार एज लिमिट 18 से 36 साल आपको देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के लिए, और ये केवल इस बार के लिए ही छूट है। इसके अलावा 3 साल का एज में रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को मिलेगा, 5 साल का एसटी एससी वालों को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन सुन लीजिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, सारी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं। और दोस्तों स्टेशन मास्टर की एक ऐसी पोस्ट है जो कि मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला स्टेज जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का है, एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन डिटेल से बताऊंगा। दूसरी स्टेज में भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज थर्ड में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसको आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम से जानते होंगे। स्टेज फोर में एक मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन इतना टफ इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये देखिए दोस्तों स्टेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस का है, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा आपका मैथमेटिक्स का है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, वही 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर स्टेज फर्स्ट एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। देखिए दोस्तों इस स्टेज फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है ना, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है और आगे आपको बढ़ना है। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज जोन वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि केवल डिसाइड कर रही होगी कि क्या आप सेकंड स्टेज यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये जो मार्क्स होंगे ना वो फाइनल कट ऑफ को, फाइनल सिलेक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि भैया इस एग्जाम में कम से कम हम कितने मार्क्स लेकर आए ताकि हम इसको इजिली क्वालिफाई कर ले। तो भाई कैटेगरी वाइज मैंने मार्किंग भी लिख दी है। देखिए दोस्तों 100 नंबर का आपका ये पेपर है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर लगभग 82 से 83 नंबर ले आते हैं तो भाई आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। इस बार की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वैकेंसी आपकी कितनी भी हो, अगर आप 82 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप ओबीसी वाले 79 या फिर 80 मार्क्स ले आते हैं क्वालिफाई कर जाओगे। ईडब्ल्यूएस वाले अगर 76 नंबर ले आते हैं क्वालिफाई कर जाओगे। एससी वालों को 75 और एसटी वाले अगर 50 नंबर ले आते हैं 100 नंबर में से, तो समझिए आपने टियर फर्स्ट एग्जाम को, स्टेज फर्स्ट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। इतने नंबर लाने हैं, बाकी ये नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते, फाइनल सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, बात करने से पहले सिलेबस के बारे में। स्टेज फर्स्ट के एग्जाम का सिलेबस है ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है और जनरल अवेयरनेस का है। पूरे सिलेबस को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। वही मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैन्युफैक्चरिंग, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है। बात करते हैं स्टेज सेकंड एग्जाम के बारे में। इसमें भी 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही पहला जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर।
मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब सवाल यह भी उठता है कि भैया स्टेज सेकंड एग्जाम में हम 120 में से कितने नंबर ले आए ताकि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए कि भाई अब हमें सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, हम स्टेज थर्ड के लिए क्वालिफाई कर जाए सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज मैंने मार्किंग लिख दिया, ये रही 120 नंबर में से अगर आप सीबीटी 2 में जनरल वाले 80 नंबर ले आते हैं, 80 नंबर ले आते हैं, तो समझिए आपने स्टेज सेकंड एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। इस बार की बात कर रहा हूं। ओबीसी वाले अगर 77 नंबर ले आते 120 में से, तो समझिए क्वालिफाई हो गया। ईडब्ल्यूएस वाले 70, एससी 65 और एसटी कैटेगरी वाले अगर 55 नंबर ले आते 120 में से, तो यार समझिए सिलेक्शन क्या बहुत ज्यादा नजदीक हो। ठीक है, वही एग्जाम सिलेबस है, बिल्कुल सेम है एज इट इज, जो स्टेज फर्स्ट एग्जाम का था बिल्कुल सेम है, वही टॉपिक है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। एक बार ही आपको मेहनत के साथ प्रिपरेशन करनी है, बाकी ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, स्टेज थर्ड जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जो कि स्टेशन मास्टर पोस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होता है। केवल रेलवे के अंदर जितनी भी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलते हैं ना, उनमें से केवल यही दो एक ऐसी पोस्ट है जिनके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर। ठीक है, एनटीपीसी के अंडर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका होता है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 42 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, हर एक टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, आप इजीली कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर कॉमन सेंस है, आपकी मेंटल एबिलिटी ठीक है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो कम से कम आपको 42 मार्क्स लाने होंगे, इसमें 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का। क्लियर है, इस एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और ये एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। स्टेज फोर्थ मेडिकल टेस्ट है, बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, पहले फाइनल मेरिट के बारे में सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, शुरुआत में आपको बता चुका हूं, जो सीबीटी 1 होगा ना उसका कोई भी लेना देना नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीटी 2 और जो आपका सीबीएटी है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, इनके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। सेकंड स्टेज और सीबीएटी, सेकंड स्टेज के 70% मार्क्स लिए जाएंगे, साथ ही सीबीएटी के 30%, टोटल मिला के 100 और फाइनल कट ऑफ बनती है दोनों एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जान आपको सीबीटी 2 और सीबीटी 3 सॉरी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर लगानी है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस सीबीटी 2 के ऊपर कर लीजिए, बाकी चीजें आपकी हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी की सैलरी वगैरह आपको बता ही चुका हूं, जो प्रोफाइल आपको अभी अभी बताई, क्या काम आपको करना होगा, चीजें आप समझ चुके होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपकी रहती है, रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, देखिए दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसी निकलती है ना हमेशा जोन वाइज निकलती है, रेलवे जोन इलाहाबाद की अलग है, कानपुर की अलग है, भुवनेश्वर की अलग है, बिलासपुर की अलग है, पटना जोन के अलग है, चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ जोन के अलग है। ठीक है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ निकलती है, सॉरी इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकलती है। जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे कि भाई मैं बिलोंग तो उत्तर प्रदेश से करता हूं लेकिन मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं बेंगलुरु जोन से, तो भाई वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट से के बाद आप सीनियर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जो कि जंक्शन जो होते हैं ना रेलवे जंक्शन, वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है सीनियर स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन काफी जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से, 8 से 9 साल के अंदर ही आपको सीनियर स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन मिल जाता है, जहां पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी ही लगभग 85,000 के आसपास होती है, काफी बेहतरीन सैलरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोस्ट के ऊपर पहुंचते हो हाईएस्ट रैंक के ऊपर। ठीक है, बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, A2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका इसमें रहने वाला है, जिसमें आपके विजुअल एक्विटी ये रहेगी, डिस्टेंट विजन 6x9 विदाउट ग्लासेस। ठीक है, नियरेस्ट विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कौन कौन से टेस्ट आपके आई टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता है रेलवे में। क्लियर है, तो भाई ये आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। अब फाइनली बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, फॉर्म फीस के बारे में। तो
तो चलिए सबसे पहले फॉर्म फीस को ही डिस्कस कर लेते हैं। शुरुआत में फॉर्म अप्लाई करते टाइम जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों से 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। जब आप सीबीटी 1 एग्जाम में बैठ जाते हो उसके बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, टेक्निकली 100 रुपए ही फॉर्म फीस हो जाती है। एससी एसटी पीएच फीमेल वालों के लिए 250 रुपए शुरुआत में फॉर्म फीस होती है, सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। मतलब इन कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस एक तरीके से जीरो है। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब आ रहा है, एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा, रेलवे की स्टेशन मास्टर की ये पोस्ट एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर आती है। ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है जिसका नोटिफिकेशन जून के लास्ट वीक तक जारी किया जाएगा और जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जुलाई में अप्लाई किए जाएंगे, जुलाई और अगस्त में फॉर्म भरे जाएंगे, उसके अंडर आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के साथ साथ आपको कुछ और ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड की पोस्ट देखने को मिलती है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखने को मिलती है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, वो सभी पोस्ट भी मिलेगी और स्टेशन मास्टर की पोस्ट भी होगी और एनटीपीसी में 12th लेवल की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है, जैसे कि ट्रेन क्लर्क की पोस्ट होती है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है, कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन भाई सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े लेवल की, फादर ऑफ ऑल पोस्ट जो है रेलवे की, वो स्टेशन मास्टर की है। सबसे ज्यादा जो क्रेज है वो स्टेशन मास्टर की पोस्ट का ही है। थोड़ा सा हैवी कंपटीशन आपको जरूर इस पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद ना लाइफ सेट आपकी हो जाएगी, इससे बेहतरीन पोस्ट आपको कोई और देखने को मिल ही नहीं सकती। तो दोस्तों 2024 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट को टारगेट कर लीजिए, फिर देखिए लाइफ आपकी कैसे जबरदस्त होती है, कैसे लाइफ आपकी बदलती है। बाकी दोस्तों जैसे ही नोटिफिकेशन निकल के आएगा, जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे, बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। इस बार एनटीपीसी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए कुछ स्पेशल प्लान क्या है, कुछ स्पेशल मैराथन एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल आपके लिए आ रहा है, क्योंकि इस बार हमने ठान लिया कि रेलवे में आपको एक अच्छी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन दिला के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। नोटिफिकेशन जून के लास्ट वीक तक आ जाएगा, फॉर्म आपके जुलाई और अगस्त में अप्लाई किए जाएंगे, एग्जाम आपका टेंटेटिवली दिसंबर 2024 में कंडक्ट कराए जाने की तैयारी कर रखी है रेलवे ने सीबीटी 1 का। क्लियर है? तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो को खत्म करने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो ये हमारी एसएससी मास्टर गाइड है ना, इसके साथ बिल्कुल फ्री में ये जो पिछले साल की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, ये हमने अवेलेबल करा दिया कॉम्बो में। परचेज करोगे मास्टर गाइड को, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, पिछले साल की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस कॉम्बो का बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। केवल एसएससी नहीं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का इलाज है मास्टर गाइड। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है हर एक क्वेश्चन का, सोल्व कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।